हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक जड़िया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल की जो रसीद होती है, रिसिप्ट होती है, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा ओपन कर लिया है और जैसा कि आप जानते हैं मैं साइज़ MM में लेता हूँ और यहाँ पर MM में साइज़ लगा लेता हूँ। उसके बाद जो है जो रसीद होती है, मेडिकल की जो रसीद बनती है, उसमें वो 18x16 में 2 मीटर बनते हैं। बाद में उसकी कटिंग हो जाती है, वो अलग अलग हो जाती है। तो 2 लगा के ही उसको प्रिंट कर किया जाता है ऑफसेट मशीन से। तो यहाँ पे ये देखिए हमने साइज़ ले लिया 150 और 200 mm में साइज़ ले लिया। 18x16 का ये साइज़ होता है और इसके हाफ में जो है रसीद बनेगी। तो हमने साइज़ उस हिसाब से लगा लिया है पहले से ही। अब यहाँ पे देखिए ये गाइडलाइन हमने ले लिया, बीच में लगा दिया है ताकि हम एक बॉक्स बना सकें उसके हाफ का। यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉपी पेस्ट करके एक बॉक्स हमने ले लिया है। अब इस साइज़ की हमें रसीद बनानी है। तो दोस्तों मैं पूरा मैटर आपको बताऊंगा पूरा स्टार्टिंग से। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर लिखना है रिसिप्ट। तो हमने टाइप कर लिया, यहाँ पे लेटर्स कोई लगा लेते हैं, टैलिक टाइप का लेटर लगा लेते हैं इस तरह से। और इसको साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 12 mm या 10 mm अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं जितना बड़ा आपको लगाना हो। यहाँ पे एक बॉक्स ले लेंगे और इस बॉक्स को जो है शेप टूल से इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। राउंड करने के बाद इसको जो है फिल कर लेंगे ब्लैक कलर से। इस बॉक्स को जो है फिल कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए फिल हो गया। उसके बाद जो है जो मैटर है उसको हम वाइट कर लेंगे इस तरह से। तो ये ऊपर आपका रिसिप्ट लिख गया। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है, कोई भी लेटर ले, नॉर्मल लेटर ले लेते हैं, एरियल लगा लेते हैं, एरियल ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेते हैं, 10 पॉइंट में कर सकते हैं। उसके बाद आप GST नंबर लगाएंगे रसीद के ऊपर, जो GST नंबर आपकी फर्म का होगा। यहाँ पे इस तरह से ऊपर कॉर्नर पे, और उसके बाद जो है हम इस साइड में अपना मोबाइल नंबर लगा देंगे, जो भी आपकी फर्म का मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से। और इसको भी यहाँ पे साइड में लगा देंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे बीच में, जो भी आपकी मेडिकल एजेंसी जिस नाम से हो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे। तो हेडिंग जो है हम टाइप कर लेते हैं, जो कि मैं अपने चैनल का ही नाम लगा देता हूँ, टेक जलिया मेडिकल स्टोर डाल देता हूँ इस तरह से। ये हेडिंग हो गई। अब इसको मैं जो है लेटर, कोई बोल्ड लेटर लगा लेता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये बोल्ड लेटर मैंने लगा दिया है, एलेक्सेस हैवी लगा दिया यहाँ पे इस तरह से। अब इसके नीचे हम एड्रेस डाल देंगे अपना, जो भी एड्रेस हो हमारा वो एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे इस तरह से। कॉपी पेस्ट करके इसको बोल्ड कर लेंगे, एड्रेस थोड़ा बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैं डाल देता हूँ चौक बाज़ार लखनऊ इस तरह से। आपका जो भी एड्रेस होगा आप एड्रेस डाल दें। दोस्तों मैं चाहता तो मैं इसको टाइप करके भी आपको बता सकता था, लेकिन मतलब पहले से ही टाइप कर लेता, लेकिन आपको मैं टाइप करके बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसको हम सेंटर कर लेंगे इस तरह से, सेंटर लगा लेंगे ऊपर। सेंटर अलाइनमेंट वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर, दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर सेंटर कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमें करना क्या है, फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर वाले मैटर को और यहाँ पे नीचे लाएंगे। यहाँ पे पड़ेगा ये सीरियल नंबर पड़ेगा, जो रसीद में सीरियल नंबर पड़ता है 1 से 100 और 101 से 200 ऐसे पड़ता है। यहाँ पे ये रिसीप्ट नंबर डाल देंगे इस तरह से। और यहाँ साइड में जो है हम डेट लगा देंगे, जो भी डेट होती है वो डाल देंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर अब नीचे जो मैटर होता है, जो टाइप लिखने वाला होता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मैटर है हम उसको टाइप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स करके जो है डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पे, जो है जो भी जिससे आपको मतलब जो सप्लाई करेंगे उसका नाम, फर्म का नाम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे हम डाल देंगे जो है एड्रेस, एड्रेस की लाइन हो जाएगी इस तरह से। हमें सारे मैटर टाइप करने हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और
जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आगे भी देख सकें। उसके बाद लिखिए दशमलव रुपीज़। तो इस तरह से कई चीज़ें लिखी जाती हैं, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बाई कैश डीडी चेक नंबर डेट ड्रॉन ऑन आवर बिल नंबर डेट। उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है शेप टूल से इसको जो है नीचे से आप पकड़ के इसको स्पेसिंग दे सकते हैं। इसके अंदर ये शेप टूल से यहाँ पे इसको जो है नीचे से पकड़ के इस तरह से स्पेसिंग दे सकते हैं। और ऑन अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, उसमें जो है आप जो भी आपको अमाउंट हो वो भर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर यहाँ पे डालना है जो आप खुद साइन करेंगे। यहाँ पे जो भी जिसका भी मेडिकल एजेंसी या जिसकी भी रसीद है वो यहाँ पे जो है साइन करेगा। और यहाँ पे देखिए अमाउंट वाला कॉलम एक बनेगा, एक बॉक्स ले लिया। यहाँ पे इसको शेप टूल से जो है इस तरह से इसको हल्का सा राउंड कर लेंगे और इसको बाद इसको फिल कर देंगे ब्लैक कलर से। और फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक बॉक्स और लेंगे और उसको जो है हल्का सा ऊपर करके उसको वाइट कर देंगे और उसकी आउटलाइन जो है वन पॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपका अमाउंट वाला कॉलम हो गया, यहाँ पे आप अमाउंट भर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ इसको। और इटैलिक जो लेटर है इसमें आप यहाँ पे रेड जो है डाल देते हैं, आर एस लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये आपकी रसीद रेडी हो गई। अब दोस्तों ये जो इस साइज़ में रसीद बनती है 18x1/12 का साइज़ है, 1/6 में 2 मीटर होते हैं और जब प्रिंट करते हैं तो 2 ही लगा के प्रिंट करते हैं। बाद में इसकी जो है बाइंडिंग होने के बाद इसकी कटिंग हो जाती है बीच से, वो अलग हो जाती है। यहाँ पे देखिए बीच में स्पेस का जो है स्पेसिंग दी गई, वहाँ से आप कटिंग कर लेंगे। ये एक साथ 2 प्रिंट होती हैं। मास्टर से आप लोग जानते होंगे, जो प्रिंटिंग प्रेस से काम करते हैं वो जानते हैं। यहाँ से इसकी आउटलाइन हटा लेंगे और उसके बाद इसका मास्टर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो मेडिकल की रसीद मैंने बनाई है इसकी CDR फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी जिसका भी फर्म का नाम हो वो चेंज कर सकते हैं और उसका GST नंबर मोबाइल नंबर एड्रेस डाल के आप रसीद बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये हम जो है कटिंग वाला एक लाइन दे सकते हैं जो कट कर लें। वैसे बाइंडर जो है वो अपने अंदाज से वो कटिंग कर लेता है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप इस फाइल को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शब खैर, ओके बाय।